हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं क्या आंसर इसके सही होने वाले, तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों हमारे पास यहाँ सीरीज ये है, सेट नंबर 2 है, कोड यहाँ 2/5/2 है। तो दोस्तों यहाँ कुछ इसके इंपॉर्टेंट यहाँ आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, और उसके बाद हम पेज ओपन करते हैं। तो आपको यहाँ 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होता है, जो कि पहला सेक्शन आपका ए सेक्शन रीडिंग सेक्शन, यहाँ 20 मार्क्स का है, यहाँ 30 मार्क्स का अगला सेक्शन है, इसके बाद 30 मार्क्स का ये सेक्शन है। आपको टोटल 11 क्वेश्चन दिए गए थे, और यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ रीडिंग सेक्शन से है, जो कि पैसेज है। तो पहले सेक्शन में आपका क्वेश्चन पहला ये है, और जिसका पहले पैसेज में इसका क्वेश्चन है कि द डांसिंग गर्ल बिलोंग टू, तो इसका आंसर होगा मोहन जोदड़ो। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ द इन द म्यूजियम शी इज कैप्ट अमोंग, तो इसका आंसर ये होगा थर्ड। यहाँ सी वाला क्वेश्चन है विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द पैसेज, तो इसका सही आंसर होगा शी नॉट बी डी डिस्कवर्ड एज शी ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर डी है ग्रेट ग्रेट आर्ट हैज़ पावर बिकॉज, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट इट्स अपील टू अस डिस्पाइट एज यूसेज पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ क्वेश्चन नंबर ई है द ज्वेलरी ऑफ वियर, तो इसका आंसर होगा नाइदर नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड करेक्ट। इसका एफ क्वेश्चन है शी रिमाइंड अस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाई म्यूजियम इन द कंट्री आर एक्साइटिंग। यहाँ एच वाले का आंसर आपका फॉल्स होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आपको एक और पैसेज देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर वहाँ फर्स्ट जो है उसका आंसर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका एडवांटेज है, और यहाँ से यहाँ तक इसका एडवांटेज है। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया हुआ है, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा फोर्थ पैरा में, आपको यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, ये सही आपका आंसर होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर सी सेकंड का सी है, इसका क्वेश्चन ये है, और आप इसका आंसर देखना चाहेंगे तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा सिक्स्थ पैरा में, आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, यहाँ ये दिया हुआ, आप इजीली इस पैरा में सर्च कर सकते हैं, जो कि आपको बना मतलब एक क्लासीफाई करना था। यहाँ 2.2 अगर बात करें इसके अंदर क्या आंसर है, तो इसके अंदर ए का पहले का इंजर्ड होगा, हार्ट का सिनोनिम। यहाँ 2.2 के बी का बात करें तो यहाँ इसका आंसर फर्स्ट होगा। यहाँ सी की बात करें तो कॉन्फ्लिक्टिंग इसका एंटोनिमिंग होगा एग्रीएबल का, और यहाँ डी की बात करें तो यहाँ आपका सही आंसर कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसके बाद आपको यहाँ राइटिंग और ग्रामर सेक्शन देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको लेटर ये सब लिखना रहता है, तो आपने ज़रूर लिखा होगा। और इसके बाद आपके पास यहाँ आपके पास आ जाता है ये पैराग्राफ कंप्लीट करने के लिए, तो जो कि आप कर सकते हैं इजीली। ये क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल पाया करेक्ट, अगर आपको कोई भी आंसर करेक्ट या लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यहाँ करेक्ट और इरर की बात करें तो यहाँ पहले का आंसर आपका इन के बदले यहाँ ऑफ आएगा, यहाँ सेकंड की बात करें तो ऑन के बदले एट आएगा, यहाँ इसमें आपका एन के जगह द आएगा, और यहाँ मच की जगह मैनी आएगा। और सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आपको सबसे पहले ये रीअरेंज करना है, तो यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इजिली सारा का सारा दिया हुआ है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके अपना मैच करवा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पैसेज मिल जाता है, तो हमने ये वाला पैसेज नहीं करा था, ये वाला पैसेज हमने कर रखा है। तो पहले का आंसर होगा ये अ सिगरेट एजेंट, बी वाले का आंसर होगा द बालकनी वॉज ए नॉन, और इसके बाद आपका ये सी वाला क्वेश्चन है तो इसके अंदर नो हो जाएगा, और डी वाले क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि आपके बुक में या कॉपी में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो आप यहाँ से इजीली मैच करवा सकते हैं। इसके बाद आपको ये करना था, ये कि एट नंबर्स का है, जो कि आप इजीली कर सकते हैं, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। इसके बाद 11th क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन था, अगर आपने इसको सही कराया होगा तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।